हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और बताओ गाइस कैसे हो। यहाँ पे गाइस हम लोग खेलने वाले हैं मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड। और गाइस ये इकलौता गेम है ना गाइस जिसने मेरे डिवाइस में अभी तक इतना ज़्यादा जीबी रैम लिया है भाई, इतना ज़्यादा जीबी रैम लिया इस वाले गेम ने। देखो भाई ओनली 4 GB रैम इस वाले गेम को खुद को चाहिए अगर तुम लोग को इस वाले गेम को लॉन्च करना है। भाई गेम प्ले के टाइम तो भाई इसका क्या ही रैम यूज़ होता होगा। फिलहाल के लिए गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड और ये अभी तक का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा साइज़ वाला गेम होने वाला है जो मैंने अपने डिवाइस में चलाया गया है। ठीक है, अपने डिवाइस में सबसे ज़्यादा है भाई इस वाले गेम का। हम लोग को 120-130 GB के लगभग है। और तुम लोग का DLC के ऊपर भी ये है कि भाई तुम लोग का DLC कौन सा तुम लोग ले रहे हो, जिसके अभी वाले गेम लोग का उससे भी ज़्यादा जा सकता है साइज में गाइज। बाकी गाइज इस वाले गेम का वैसे ग्राफिक्स बोलोगे भाई, ग्राफिक्स तो DirectX 12.2 का है हम लोग को, तो उस अनुसार से हम लोग को डिवाइस भी ख़तरनाक लगेगा। डिवाइस रिक्वायरमेंट क्या चाहिए गाइज इसमें तुम लोग को, अगर डिवाइस में भाई क्या जरूरी है गाइज इस वाले गेम को लॉन्च करने के, तुम लोग को एटलीस्ट भाई 4 GB रैम तो चाहिए एडिशनली। ठीक है, 4 GB रैम चाहिए एडिशनली, मतलब 8 GB रैम में तुम लोग का लॉन्च नहीं होगा। 12 GB का अगर तुम लोग का रैम का डिवाइस है ना गाइस तो फिर ये लॉन्च हो जाएगा। भाई मैंने अपने अलग डिवाइस में भी चलाया Snapdragon 870, मैंने भी यहाँ पे रन किया भाई मेरा, उसमें चला नहीं गाइस। तो Snapdragon 8 Gen 2 में मैंने चलाया तो गाइस Snapdragon 8 Generation 2 में चल रहा है, लेकिन गाइस कभी कभार जो ग्राफिक्स है ना वो ग्लिच आ रहा है। लेकिन भाई फिर भी हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का जो गेम प्ले है कैसा होने वाला गाइस। वीडियो को लाइक नहीं तो भाई वीडियो को लाइक करके कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे भाई इस वाले गेम का एक बार चेकआउट कर लो भाई, इस वाले का गेम प्ले लेके आ जाओ, या तो कैसे इंस्टॉल करते हैं विलेटर में तुम लोग को बता दूंगा गाइस विलेटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। बाकी भाई डिवाइस तो तुम लोग के ऊपर है कि भाई डिवाइस हाई एंड लेना पड़ेगा इस वाले गेम को चलाने के लिए। ये गेम लोग का कंप्लीटली ऑफलाइन है, फॉर दोस्त जिनको नहीं पता कि एमुलेटर क्या है भाई। ये एमुलेटर हम लोग विंडोज़ PC गेम चला लेते हैं हमारे एंड्रॉइड में ईजिली, लेकिन उसके लिए तुम लोग के पास डिवाइस रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। इस वाले गेम का डिवाइस रिक्वायरमेंट गाइस मैंने तुम लोग को बता दिया है, इस वाले गेम का डिवाइस रिक्वायरमेंट है 12 GB रैम एटलीस्ट। 8 GB रैम में ये वाला गेम लॉन्च ही नहीं हो रहा गाइस। ठीक है, 12 GB रैम ले लेना। Snapdragon 8 Generation 2 में मैंने टेस्ट किया तो ये हम लोग का जो गेम है वो लॉन्च हुआ है। बाकी Snapdragon 870 में मैंने इसको लॉन्च किया था तो ये वाला गेम पता नहीं कुछ एरर आ रहा था, ब्लैक स्क्रीन आके हम लोग का कट जा रहा है। 8 Gen 2 में ही हम लोग का जो है ये गेम फिलहाल के लिए अभी रन हो रहा है, नहीं भी है वो कुछ अपडेट आएगा तो हो जाएगा फिर। सॉरी गाइस विन लेटर में, ठीक है, मे भी अगर हम लोग नेटिवली अलर होराइजन एंड्रॉयड एमुलेटर हो गया तो भाई उसका तो गाइस अभी वही चलता रहता है भाई, अपना कंट्रोवर्सी तो उसके कारण वो कोई यूज़ नहीं करता, परफ॑ उसमें ज़्यादा ही आता है। ठीक है, एक आध दो FPS हम लोग को इससे ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी गाइस विन लेटर में भाई एडिशनल कंट्रोलर भी सपोर्ट आ गया तो भाई उसके कारण हम लोग का गेम प्ले बढ़िया रहता है। गाइस वीडियो को लाइक नहीं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे हम लोग को विन लेटर में एडिशनल कंट्रोलर सपोर्ट मिल जाता है और भी कई सारे मतलब शॉर्टकट से तुम लोग गेम रन कर सकते हो, ये सही रहता है सिंगल क्लिक गेम रन। और अदर में तुम लोग भाई पहले कंटेनर रन करो उसमें ऐसा ऐसा। ठीक है गाइज मैं तुम लोग को सेटिंग में बता दूंगा। और गाइज तुम लोग को अगर ये विन लेटर चाहिए तो भाई ये विन लेटर रियल के लिए गाइज फोर्स वर्जन में रन हो रहा है। ठीक है, आप ही मत ले लेना फोर्स वाले वर्जन में, वैसे मैंने आप ही में ट्राई नहीं किया, तुम लोग को चाहिए तो वैसे ट्राई कर लेना। ठीक है, फिलहाल तो फोर्स वर्जन टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना गाइज, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। और हम लोग का जो गेम है भाई अप्रोक्स वैसे DirectX 12 में तुम लोग FPS नहीं दे सकते क्योंकि DirectX 12 रन हो रहा है। गाइस यहाँ पे जो अगर तुम लोग मेरे से पूछोगे FPS कितना आ रहा है भाई, FPS अराउंड 10 से 20 FPS के बीच में आ रहा है। हाँ मिशन खेलेंगे ना तो घर के अंदर जैसे बिल्डिंग के अंदर हम लोग जाएंगे, बिल्डिंग्स के अंदर मैंने जाके देखा वहाँ पे हम लोग का 20 से लेकर 25 FPS हो जाता है। और भाई ये भी FPS गाइस प्लेबल है इतना, भाई मैं तो बोलूँगा भाई प्लेबल है इतने FPS में हम लोग 10 से लेकर 20 FPS का अगर हम लोग का गेम चलता है ना ऐसा तो भाई बढ़िया प्लेबल है भाई। और वो भी इतना हाई एंड गेम भाई स्पाइडरमैन रीमास्टर, मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर। बाकी गाइस इसका मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर 2 भी हम लोग का अवेलेबल है। ठीक है, वो भी मैं लाऊंगा कुछ दिन में लाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं ये लेके आ गया हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चलो सब्सक्राइब। ये एज यू कैन सी हम लोग का जो गेम है बढ़िया चल रहा है। और अब भाई इस वाले गेम में फिलहाल के लिए गाइस ये क्योंकि भाई गेम हाई एंड है तो क्रैश है। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि भाई ये सेटिंग पे हम लोग लगा रहे तो भाई क्रैश तो वो फिक्स क्यों नहीं हो रहा, क्रैश है गाइस। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग फिलहाल अपडेट देखते हैं भाई विनलेटर का 8 पॉइंट का अपडेट कब आएगा हम लोग को। फिलहाल के लिए इतने क्रैश के बावजूद भी मैंने गेम प्ले जो है रिकॉर्ड किया है। गाइस वीडियो को लाइक नहीं तो भाई वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब। एज यू कैन सी हम लोग का ओपन वर्ल्ड में थोड़ा सा जो गेम है समझ जाओगा क्योंकि हाई एंड गेम है ना, तुम लोग का PC में भी नहीं चलता होगा यार ये वाला गेम। फिलहाल के लिए हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में चला रहे हैं और भाई एंड्रॉयड डिवाइस बोल रहे हो 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइज, बाकी गाइज विनलेटर का सेटिंग बता देता हूँ। विनलेटर फर्स्ट वर्जन है गाइज, ठीक है, और वाइन वर्जन 9.2 है, बॉक्स 64 वर्जन 0.31 है।
चलाओगे तो गाइस चलेगा नहीं, ठीक है। बॉक्स 64 प्रेजेंट कंपैटिबिलिटी मोड में हम लोग का चल रहा है, मे बी फ्यूचर में अगर हम लोग का परफॉर्मेंस मोड में ये वाला गेम चल गया तो ईजिली गाइस 20 से लेकर 30 FPS इन गेम ओपन वर्ल्ड एरिया में कहीं नहीं गया, ठीक है। बाकी गाइस एज यू कैन सी गाइस ये आ गया हम लोग का रिजोल्यूशन गाइस, इस वाले गेम को रन करने के लिए 1280x720 लगाना ही पड़ेगा। अगर वैसे गेम के अंदर है 800 रिजोल्यूशन लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता है गेम, पता नहीं कुछ ग्लिच है। बाकी गाइस देखो ग्राफिक्स ड्राइवर 24.09 लगा लेना यहाँ पे, ग्राफिक ड्राइवर ये लगाने के बाद गाइस मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को DXVK, ठीक है। DXVK DirectX 12 का होता है गाइस, VK D3D 2.13 वर्जन लगा लेना, ठीक है। 2.13 वर्जन, उसके बाद DirectX 12.2 वर्जन को तुम लोगों को क्लिक करके ओके कर देना। ऑडियो ग्लिच फिक्स करने के लिए पल्स ऑडियो कर देना, शो FPS करो ना करो उससे कुछ फ़र्क नहीं है, हम लोग का गेम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि भाई DirectX 12 में वैसे भी FPS का प्रॉब्लम है, हम लोग FPS नहीं दे सकते। फिर भी मैं तुम लोग का एक्सपीरियंस के अनुसार से बता दिया कितना FPS है, बाकी तुम लोग का खुद का भी एक्सपीरियंस है कितना FPS हम लोग का चल रहा है, कंट्रोलर से हम लोग प्ले कर रहे हैं। बाकी एज यू कैन सी यहाँ पे तुम लोग को ग्राफिक्स चाहिए तो ग्राफिक्स GTX वो सब लगा सकते हो, वैसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी तुम लोग का लो एंड डिवाइस ही बताएगा जब तुम लोग गेम लॉन्च करोगे भाई। देखिए ये आ गया गाइस सेटअप, हम लोग का एग्रेसिव में कर लेना, बाकी हम लोगों ने इसको कंटेनर रन कर लिया। अभी गाइस एक छोटा सा प्रॉब्लम जो मेरे को खुद को फेस करना है, गेम रन ही नहीं हो रहा, तो उसको गाइस कैसे सॉल्व करना, ठीक है। ये आ जाएगा गाइस, हम लोग स्टार्ट में आ जाना, गेम स्टार्ट में आ जाना। स्टार्ट में आने के बाद गाइस तुम लोग को फर्स्ट वर्जन है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना DirectX 12 का, ये एक फिक्स कर लेना है हम लोग को क्लिक। ये देखो DirectX 12 का क्या होता है कि DirectX 12 के गेम रन नहीं होते, तो इसको क्लिक कर दोगे तो अधिकतर गेम हम लोग का रन हो जाएगा। इसको क्लिक कर देना गाइस इसमें फिक्स वाले में, ठीक है, सबसे ऊपर वाले फिक्स में। अगर वैसे तुम लोग का फिलहाल के लिए टेस्ट कर लेना, अगर वैसे चल रहा है तो वैसे भी ठीक है, बाकी अगर ऐसे चल रहा है तो हम लोग का इसमें क्या होता है गाइस थोड़ा सा ग्लिच होता है, लेकिन भाई गेम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है भाई, गेम चल जाएगा, थोड़ा बहुत एक आध ग्लिच है। बाकी गाइस इसको क्रिएट शॉर्टकट करके कर देना रन। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करता भाई, वीडियो को लाइक करो।